पर्पल टैप इस कुछ का ऐसा, ये मैंने वुडन का शेल्फ ली। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना वो आज बनानी थी पूरी, पूरी छोला और ये वो, लेकिन छोला तो मेरे पास था ही नहीं, लेकिन बनाने हैं आज पूरी तो बनानी है। अभी मैंने निकाला है मैदा, तो मैं मैदे में थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसमें ऑयल डाल के और फिर उसको उसकी बना दूँगी, आटा गूंद के, और फिर उसको थोड़ी देर रख देती हूँ मैं। लेकिन छोले मेरे पास है नहीं, तो छोले के बदले के साथ मैं बनाऊँगी आलू, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अभी बनाते हैं और फिर ये देखें, मैंने आटा गूंदा और इसको गूंद के मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा के और फिर मैं रख दूँगी। और आज का जो टॉपिक है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले सुबह का टाइम था, सुबह में मैंने नाश्ता जल्दी जल्दी बनाना होता है, और संडे का दिन तो वैसे भी मेरा यही दिल करता है कि कुछ अलग चीज़ बना के खाऊं, क्योंकि फिर संडे को सब घर पे होते हैं, तो उसकी वजह से ही मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे बना रही थी नाश्ता, मैंने कहा रोज़ यही खाते हैं अंडा पराठा ये वो, तो आज मूड हो रहा था पूरी का, तो इसलिए मैंने वो बनाना शुरू कर दी थी। इसमें मैंने सारे मसाले सारे डाल के, और मसाला इतना इसमें डलता ही नहीं है, तो मैंने मिक्स करके और फिर बस इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी मैं, तो ये पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने पूरी बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो इसका मुझे शेप आता नहीं है, वैसे मेरा शेप बनता नहीं है इससे, लेकिन मैंने किसी ढक्कन से बना के और पहले बड़ी रोटी बना के और फिर उसके ढक्कन के शेप से ही और उसको दे के और फिर उसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो खैर यहाँ पे ये फ्राई भी हो गई थी और काफ़ी सारी देखें फ्राई कर दी थी मैंने, और इसके अलावा मेरा सालन भी बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई थी कि शादी से पहले जब घर वाले मुझे बोलते थे रोटी बनाने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ पे एग्री नहीं होती थी और सबसे पूछ के फिर बना देती थी कि कौन कितनी खाएगा, और जब एक कोई बोल दे ना गलती से भी तो उसकी एक ही बनती थी रोटी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब जिम्मेदारी नहीं थी, अब जिम्मेदारी है, तो मुझे खाना बनाना आजकल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं हूँ बनाने वाली, तो मुझे पता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और अब दिल करता है बनाने का, शौक़ भी होता है बनाने का। पहले ज़िम्मेदारी नहीं थी तो फिर इतना दिल नहीं करता था, लेकिन शादी से पहले सारे काम सीखने चाहिए जो कि मैंने नहीं सीखे थे, मैंने गलती की थी, कुकिंग मैंने बिल्कुल नहीं की थी जो मैंने शादी के बाद स्टार्ट की थी। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें बहुत। और यहाँ पे जी मैं किचन आपका दिखा रही थी, किचन का स्पेस जो था ना वो मैंने पहले तंग था बहुत, तो अभी मैंने चूल्हे पहले मेरे ना उस साइड पड़े हुए थे बीच में, तो मुझे मतलब ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं तीन वाले ये तो, और फिर अभी मैंने इसको सेट कर दिया है, तो यहाँ से मुझे इजी भी लगता है बिल्कुल ही। और इसके अलावा जी यहाँ पे मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए थे, और ये मैंने चम्मच वगैरह ऊपर लगा दिए थे, और यही तो है मेरा किचन। और इसके अलावा ये मुझे प्लेट मेरी बहन ने भेजी थी, जो ये मैंने इस वजह से रखी हुई है यहाँ पे, मतलब कोई और यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा यहीं रख देती हूँ। और इसके अलावा ये मैंने मशीन वगैरह रखी हुई है, और ये भी मैंने इसका थोड़ा इजी वे कर दिया है। ये मैंने वुडन का शेल्फ लिया था किसी लोकल मार्केट से बाहर से, तो और ये मैंने यहाँ पे बोर्ड भी लगवा दिया है ताकि मुझे इजी हो हर चीज़ में, शेक बनाने में हर चीज़ में, और रमज़ान में तो वैसे ही थोड़ा इजी काम चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा खुला डुला कर दिया है, तो मतलब कुकिंग करने में और फिर कुकिंग के बाद भी इजी रहता है बहुत। और कोई मेहमान आ जाए या किसी की दावत बंदा करता है, तो उसके लिए भी अगर तंग तंग होता हो ना जगह, तो फिर बंदा खुद भी तंग होता है और फिर खाना भी दिल नहीं करता फिर बनाने का। अच्छा जी यहाँ पे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बहुत सारी बातें कर ली तो मैं अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और मैं आपको दिखा रही थी जो नेल्स, पहले तो ये नेल्स हैं, जो भी नेल्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं बाहर से, और तीनों बहुत अच्छे हैं, और ये तो मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, देख रहे हैं आप इन पे लगी हुई है नेल पॉलिश कलर वगैरह, तो इनका शेप भी बहुत अच्छा लगता है, और जो सूट करे नेल्स पे, जो हाथों पे सूट करे, तो वो ज़्यादा मतलब मैं लगाती हूँ। और ये जो है ये हैं मिस रोज़ के, ये तो मैंने बिल्कुल ही लोकल बाहर जो मार्केट होती है ना लगी हुई, मैंने वहाँ से लिए थे, लेकिन ये है इनका कि ये एक दफ़ा स्टिक होते हैं, उसके बाद इनका ग्लू भी मुझे दिया था उन्होंने साथ में, जो अभी मुझे मिल नहीं रहा था, तो खैर मैंने अभी आपको लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं लगाती हूँ। और ये ग्लू से इन पे थोड़ा बहुत जिन पे लगा हुआ है ग्लू,
तो वही मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी। बाकी इनका ग्लू मेरे पास अभी है नहीं, और एल्फी से भी लगा लेते हैं लोग, लेकिन एल्फी से ये हो के बहुत ख्याल से और केयर से लगाने पड़ते हैं, और उनका तो बिल्कुल ही एक ड्रॉप लगाना चाहिए और ज़्यादा तो नहीं। और इसके अलावा ये मेरे नेल्स आ गए, ये तो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, ये मैंने अभी कभी लगाए नहीं है, लेकिन जब मैंने पहले लिए थे तो तब मैंने लगाए थे, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो अभी मैंने सोचा अभी वीडियो बना देती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ मैं। तो यहाँ पे इनका ये शेप है, इनमें काफ़ी सारे शेप्स वगैरह आते हैं, तो मेरे पास अभी ये शेप रखा हुआ है, तो लॉन्ग होते हैं काफ़ी ये, लेकिन इनको मैं शॉर्ट करके फिर ही लगाती हूँ, और ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ अभी लगा के। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं और रिसेंट भी लगते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर नेल पॉलिश वगैरह तो वैसे ही मैं नहीं लगाती हूँ, कम लगाती हूँ, तो वो बस ग्लू से लगाए चिपकाए और फिर जब काम वाम किया, हर चीज़ कर ली, तो फिर उतार दिए, ताकि फिर वो नमाज कुरान के लिए भी अच्छा। जी यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही, तो ये नेल्स, इसका भी शेप बहुत अच्छा आता है, ये भी मैंने बहुत सारी, काफ़ी दफ़ा मैंने, अक्सर तो मैंने पाँव पे ही ज़्यादा ये यूज़ किए हैं, हाथों पे कम और पाँव पे ज़्यादा, लेकिन इसका भी मैंने निकाल के रखे हुए अलग से एक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने अलग से निकाल के शेप्स बना के रख दिए, ताकि फिर मुझे कभी जाना हो तो वो बिल्कुल आसानी रहती है ना, तो फिर लगाने में भी। ये मैं आपको अभी लगा के दिखाती देती हूँ, और इसके मेरे पास पूरे नहीं हैं, और अभी जो हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बस इनको ज़्यादा प्रेस करना ही नहीं होता है, और पहले तो आप फाइलर से सही कर दें अपने नेल्स। मेरे नेल्स थोड़े बहुत जो थे, मतलब वो हैं, वो मैंने काटे नहीं हैं, थोड़ा सा मैंने उनको सही किया था, और फिर उसको फाइलर की मदद से ऊपर से भी थोड़ा सा सही करके, और फिर उनकी पूरी कटिंग करके, और उसके आप ऊपर नेल्स लगाएं, तो वो देखें कैसे लग रहे हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मेरे अपने नेल्स हैं, तो इस वजह से आपको शायद सही ना देखें, और यहाँ देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। और हर किसी के हाथ की शेप पे भी होता है कि किस पे कौन से सूट करेंगे, तो उस हिसाब से लें तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको अभी अपना दूसरा दिखा देती हूँ, जो दूसरे मेरे पास नेल्स हैं उसका मैं एक ही आपको लगा के दिखाऊंगी। ये मैंने जो लगाया अभी, तो वो मैंने उतार भी दिए, क्योंकि उन पर ग्लू लगा हुआ था, तो वो उतर भी जल्दी जाते हैं और लग भी जाते हैं सही तरह से। इसका ये देखिए, मैंने एक ही नेल लगाया है, और ये मेरे नेल पॉलिश भी लगी हुई है जो मैंने लगाई है, और इसके अलावा इसके जो मैंने पाँच रखे हुए हैं ना, इसमें से निकाल के मैंने वो मैंने इसमें छोटे से गिलास में रखे हुए, ताकि मैं जल्दी जाऊं कभी तो फिर जल्दी से ही लगा सकूं और मुझे ढूंढने ना पड़े फिर ज़्यादा। तो इसका मैंने एक कोट लगाया था ना, तो इसका मैं अभी मैंने ये लगाया है सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप से, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैं उसका डबल कोट करके फिर आपको दिखाती हूँ, तो डबल कोट में और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है कलर इसका जो है, और ये कलर भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर, पर्पल टाइप इस कुछ ऐसा कुछ कलर है। तो खैर अभी कर देंगे सारा वाइंड अप, और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे किचन में गई, तो ये देखे चुन्नू मुन्नू सा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीठा खा रहा था, तो मुझे भी देना था कि आप भी खाओ। तो यहाँ पे टिक्कियाँ बनाई तो नहीं थी, मुझे ये मिली थी, और खैर अभी ये मैंने खा के देखती हूँ, इनका मैंने टेस्ट नहीं चेक किया, तो खा के देखते हैं कैसे बनी है। अच्छी बनी होंगी, टिक्कियाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे आज हवा भी इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा हवा अच्छी चल रही थी, तो यहाँ पे हो गया था रात का टाइम, और रात में मैंने बनाए थे, हस्बैंड के कहने पे बना दिए थे, वरना फिर मेरा अभी तो कोई इरादा नहीं था कोफ्ते बनाने का, तो यहाँ पे मेरे कोफ्ते भी रेडी हो गए थे। ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी दुआओं में याद। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।